क्या रेसिपी बना रही हो? तो आज मैं बना रही हूँ बारबेक्यू विंग्स। अच्छा, क्योंकि गोश्त का आइटम भी है, अच्छा फिलर भी है। हाँ। और बड़ा प्रेजेंटेबल भी है। और समय पता है क्या होता है, जैसे ना हर कोई खाना नहीं खाता, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घरों से होके आ रहे होते, तो उनको किसी तरह के छोटे छोटे स्नैक्स चाहिए होते हैं, जिससे वो अच्छा यहाँ पे भी चाय पी ली, ये खा लिया। बिल्कुल बिल्कुल, तुम अपनी रेसिपी बताओ फिर तुम बनाती है। अच्छा, हमने यहाँ बारबेक्यू विंग्स बना रहे हैं, और मैं क्या इसके इंग्रेडिएंट्स बताऊँ कि हम क्या क्या डाल रहे हैं। सबसे पहले हम स्किन के साथ हमने लिया है, ठीक है, और हम गार्लिक पेस्ट लेंगे, मस्टर्ड पेस्ट लेंगे, बारबेक्यू सॉस डालते जाते हैं, ठीक है। तुमने कितना कितना डालना है? एक चम्मच गार्लिक पेस्ट, एक चम्मच मस्टर्ड पेस्ट, एक चम्मच सॉरी मैंने इसमें डाल दिया मस्टर्ड पेस्ट, और लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च ये थोड़ा सा कम, छोटा वाला ले लेते हैं, छोटा वाला ले, ये छोटा कितना, आधा आधा सही है, मैं भी सीख जाऊंगी ना घर जाके बनाऊं। और कुटी हुई लाल मिर्च ये कितना, ये भी थोड़ी सी आधी, क्योंकि हम तीन किस्म की मिर्च डालेंगे इसमें, हर किसी काली मिर्च भी, ठीक है, और ये बिल्कुल अभी काली मिर्च को पीस के, तो यानी कि थोड़े से गदरा गदरा इसका टेस्ट आएगा, और तो मिर्च अपने हिसाब से, नमक हसबे जायका, नमक हसबे जायका। आपके घर में क्या होता है ट्रॉली पर, मैं बताती हूँ, सही है। और ये आ गया चिली सॉस, चिली सॉस भी, ये तकरीबन आप दो चम्मच भर के टेबल स्पून। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है विनेगर, ठीक है, ये हम डालेंगे, इसको मैरिनेट करके अब रात में रख लें। अच्छा, ये रात में रख लें, ये जान छूट जाएगी, ये जान छूट जाएगी, ठीक है। हमने थोड़ा सा आपने विनेगर डाला, अगर आप चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको मसाला लगा के ना एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर इसको फ्रिज में रख दें, ठीक है। अब जैसे कोई आए, अगर आपके पास अवन है तो आप बेक कर दें, और अगर आपके पास अवन नहीं है, मेरे पास यहाँ पे चूल्हा है, मैं चूल्हे पे इसको हल्का सा कुक करूंगी, और इतना आसान है। और आखिर में आपने बारबेक्यू सॉस डालना है, अगर आपके घर में तिल मौजूद है आप तिल डाल दें, अगर आपके पास में मशरूम्स ऐड कर दें, अगर आपके पास कोई दूसरी सॉसेस जैसे कि पेरी पेरी सॉस होती है, बहुत सारी अवेलेबल है, आप वो फ्लेवर के साथ से दे सकते हैं। अच्छा, और ये इतना अच्छा है, आप इसको एक ब्रेड के स्लाइस के साथ दे सकते हैं, फ्राइड राइस के साथ दे सकते हैं, छोटे से आप पोर्शंस बना के इसको मैरिनेट करके रख दिया, बस आप चाहे तो ओवन में बेक कर ले, वरना आप चूल्हे पे भी बना सकते हैं। जब ये बनाए की समय तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अभी। और ये अपना कुक होता रहेगा, थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे ताकि गोश्त जो है वो गल जाए, हल्का पानी ऐड किया। और अगर आपको लगता है कि आपका गोश्त गला नहीं है तो पानी की क्वांटिटी को आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, स्किन थोड़ी देर से गलती है। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे पिज्जा सैंडविचेस, यार ये तो जबरदस्त लग रहे हैं बनने में, क्योंकि बता निदा की असल में अक्सर लोगों के पास ना जो है ओवन नहीं होता, और उनके बच्चे या उनके रिलेटिव्स या उनका खुद का भी दिल चाहता है, जरूरी नहीं कि हम मेहमानों के लिए बनाएं, हमारा अपना भी दिल चाहता है। बच्चे ईदी खर्च करके इतना आला भला खा रहे होते हैं, यकीन माने कितने सारे बच्चे तो बेचारे भूखे रहते हैं, ईद पर वो आला भला खा के पेट भर लेते हैं, तो ये पिज्जा सैंडविच वगैरह जो है ना ये उनको अट्रैक्ट करने की बड़ी अच्छी टेक्निक है। और खासतौर पे जो बच्चे होते हैं उनके फ्रेंड्स भी मिलने के लिए आते हैं, तो आपको पता होता है कि ये छोटे बच्चे इतने सारी चीजें नहीं खा सकते, तो इस तरह की चार पांच चीजें हो तो जो फिलर्स भी हो और उनका पेट भी भरे और घर के अंदर साफ सुथरी। रेसिपी क्या है इसकी? रेसिपी ये है कि मैंने सबसे पहले कुकिंग ऑयल लिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ गार्लिक, मैंने इसमें भी सिर्फ गार्लिक डाला है, इसमें भी गार्लिक डाला है। जो चाइनीज और इटालियन रेसिपीज होती हैं उसमें ज्यादातर जो हमारा जो एक लहसुन का इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो आप वो लें, और अगर आप इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर देना तो उसका फ्लेवर जो कहते हैं ट्रिपल हो जाता है। तो आप इसमें, मैंने ऑयल लेने के बाद लहसुन चॉप करके उसको हल्का सा फ्राई किया गोल्डन, उसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने चॉप करके डाली हैं, और उसके अंदर मैंने चिकन बोनलेस क्यूब्स की शक्ल में बहुत ही छोटे छोटे से टुकड़े करके जो आपके सैंडविच के ऊपर लगे हैं वो टूटे नहीं सैंडविच, आप इसको जो है वो फ्राई करें। जब ये कलर चेंज हो जाए तो आपने, क्योंकि बहुत सारी मसाले आपने ऐड नहीं करने, अब मार्केट में अवेलेबल है पेरी पेरी सॉस, आपने सिंपल पेरी पेरी सॉस ऐड कर दिया बस। अगर आपको ये नहीं मिलती किसी वजह से, शॉर्ट हो गई, नहीं हर जगह है हर बाजार में, लेकिन ऑल्टरनेटिव बता देते हैं ना कि अगर शॉर्ट हो गई, फॉर एग्जांपल नहीं मिली आपको, उसका फ्लेवर ही नहीं अच्छा लगता, तो आपने सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्चे, नमक और मस्टर्ड पेस्ट ऐड करना है, दैट्स इट। और सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस, ये आप ऐड करेंगे चाइनीज़ का मसाला, और इसको पकाएंगे, और उसके साथ सब्जी मैंने चॉप करके यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे शिमला मिर्च, गाजर और हरी प्याज, अगर आप चाहें तो मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, फ्राई करेंगे या ऐसी कच्ची, बस इसी में डाल देंगे हल्का, जब ये बिल्कुल भुनने लगेगी ना, जब कलर चेंज जाएगा, फ्लेवर मिक्स हो जाएगा, तो इसको थोड़ा क्रंची रखेंगे, और फिर ब्रेड के ऊपर हम इसको पूरा पेस्ट बना के रखेंगे। पहले गाजर डालिएगा, फिर उसके बाद जो है वो शिमला मिर्च और हरी प्याज सबसे आखिर में, क्योंकि इसका कुकिंग टाइम ज्यादा होता है, और अगर आपको लगे कि कुकिंग टाइम इसका ज्यादा हो रहा है और ये गल नहीं रही, तो आप हल्का सा पानी ऐड जरूर कीजिएगा। सही।